अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग होंगे खैरियत से। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको काइन मास्टर के अंदर थंबनेल बनाना सिखाऊंगा कि आप काइन मास्टर के अंदर एक अच्छा थंबनेल उर्दू में कैसे बना सकते हैं। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मगर वीडियो को शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी जो भी नई वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिल सके। तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, हम सबसे पहले काइन मास्टर को कर लेते हैं ओपन। तो ये हमारा काइन मास्टर जो है वो ओपन हो चुका है। इसके बाद आपने गाइस क्या करना है, यहाँ पे प्लस के ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे 16:9 की रेशो सेलेक्ट कर लेनी है, क्योंकि हमारा यूट्यूब जो है वो 16:9 पर काम करता है। तो हमने वहाँ पर वो रेशो सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से आपने बैकग्राउंड पर आना है और यहाँ से बैकग्राउंड पर आके आपने वाइट बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लें या ब्लैक कर लें, जो भी आप करना चाह रहे हैं। तो मैं यहां से वाइट बैकग्राउंड सेलेक्ट करता हूं और यहां से इसको डन कर देता हूं। इसके बाद ये देखें हमारे पास नीचे ये आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने यहां से लेयर में जाना है। यहां से आपने लेयर में जाना है और यहाँ से आपने जाना है टेक्स्ट में। टेक्स्ट में जब आप जाएँगे यहाँ पर आप आके उर्दू में अगर आपने टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं तो आप उर्दू में लिख लें, अगर इंग्लिश में लिखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर इंग्लिश में लिख लें। तो मैं यहाँ पर उर्दू में टेक्स्ट लिखता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, हम यहाँ पे आप कोई भी यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। मैं यहाँ से डन करूँगा और यहाँ से मैं टेक्स्ट में आऊँगा और यहाँ से आके मैंने इसमें कोई भी यहाँ पे इसका फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ से इसका कलर मैं कर देता हूँ, अपना ब्लैक कर दूँगा या रेड कर दूँगा। इसके बाद मैं यहाँ से इसके आऊँगा स्ट्रोक ग्लो में, यहाँ ग्लो को छोड़ें, यहाँ से मैं आउटलाइन में आऊँगा, यहाँ से इसकी आउटलाइन लगा दूँगा। आउटलाइन भी आप किसी भी कलर की लगा सकते हैं। यहाँ से मैं इसको रेड में ही लगा देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा अपना ग्रो करने लग जाए। इसके बाद मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा कम कर दूँगा ऐसे, और यहाँ से मैं इसको, अभी हमने क्या करना है, अभी हमने इसको यहाँ तक रखना है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम फिर से यहाँ से टेक्स्ट में आएंगे और इनकी जो इसकी जो बीच में स्पेस है, ठीक है, वो थोड़ी थोड़ी स्पेस बढ़ा देंगे ताकि जी। तो इसके बाद अब हम इसको यहाँ से ओके कर देंगे जी। तो अब ये ठीक हो गया, अब हम इसको यहाँ पे रखेंगे। इसके बाद हम यहाँ से आएंगे बैकग्राउंड कलर में, यहाँ से इसको डन कर देंगे और यहाँ से इसका फुल विड्थ कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर जो है हम कोई भी कर सकते हैं, येलो कर दें, इसको फुल हमने करना है तो ब्लैक ही हम इसको फुल कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हमने इसको यहाँ पर सेंटर में कर देना है, या आप इसको यहाँ पर भी रख सकते हैं, इसको आप यहाँ पे रख लें। इसके बाद आपने यहाँ से इसको डन कर देना है। और आपने इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप यहाँ पे लेयर में जाएं। लेयर में जाने के बाद आप यहाँ से मीडिया में जाएं। मीडिया में जाने के बाद आप यहाँ से जो है वो ये पिक्चर सेलेक्ट करें और यहाँ से इसको डन कर दें। अब ये पिक्चर जो है
मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, और यहाँ पे मैं ये पिक्चर लगा देता हूँ, ये हसन आवेद की पिक्चर लग गई। और गाइस अब देखें ये एक थोड़ा सा लुक देने लग गया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हम यहाँ से फिर से जाएंगे लेयर में, यहाँ से फिर से हम टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पे हम कुछ भी लिख देंगे। अब हम यहाँ पे इंग्लिश में लिख देंगे, हसन आबेद हाउस टूर लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से इसको डन कर देते हैं, यहाँ से हम थोड़ा सा गलत हो गया, टूर लिख देंगे और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ से फिर से टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ से इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे और यहाँ से इसका कलर हम कर देंगे रेड, और इसको यहाँ पे नीचे ले आएंगे ऐसे, और इसके बाद यहाँ से हम जो है इसको भी बैकग्राउंड कलर ओके कर देंगे, यहाँ से फुल विड्थ कर देंगे और यहाँ से इसका कलर फुल हम ब्लैक कर देंगे, और इसको जो है यहाँ से ब्रिंग टू ब्रिंग फॉरवर्ड कर देंगे, और यहाँ से जो है इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे, ठीक है। अभी हमने इसको यहाँ पे ऐसे करना है और यहाँ से इसको हमने यहाँ पे नीचे ले आना है ऐसे, ठीक है जी। तो गाइस ये है हमारा थंबनेल, जो कि उम्मीद करता हूँ आपको आया होगा पसंद। और अगर आपको हमारा थंबनेल पसंद आया है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी नई वीडियो है वो उसकी अपडेट आपको मिल सके। तो इंशाल्लाह नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आप हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।